हेलो डियर्स, आदर्श एग्रीकल्चर कोचिंग गीता नगर क्रॉसिंग के यूट्यूब चैनल पर सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत एवं वंदन है। आज हम बात करेंगे कि जैसा कि आप लोग पहले से फ़ोन के माध्यम द्वारा या कमेंट के माध्यम द्वारा बहुत दिन से इंतज़ार करते रहे कि आपकी जो ऑनलाइन की व्यवस्था आदर्श एग्रीकल्चर कोचिंग गीता नगर क्रॉसिंग कानपुर में की गई है, वहाँ पर जैसा कि आप पहले से ही अवगत हैं, जो पहली हमारी ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है वो बैंक IBPS AFO के बारे में। तो आज हम महत्वपूर्ण सूचना आपको बताएंगे कि आदर्श एग्रीकल्चर कोचिंग अपने परिवार में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की व्यवस्था कर ली गई है। पूरी हमारी टीम गठित हो गई है, पूरी फैकल्टी, जैसा कि पहले से ही आप लोग जानते हो कि उत्तर प्रदेश जनपद में आदर्श एग्रीकल्चर कोचिंग का जो नाम बिकता है वो आपका ही परिवार है। इसलिए आपसे हमारा यही निवेदन है कि इस वीडियो को उत्तर प्रदेश में इस तरीके से वायरल कर दो कि जिस तरीके से आदर्श एग्रीकल्चर कोचिंग 1983 से चलती चली आ रही है, और उत्तर प्रदेश में आपको मालूम है कि आदर्श एग्रीकल्चर कोचिंग का नाम और टैग बिकता है, आपका ही संस्थान है। इसलिए आप लोगों से हमारा निवेदन है, इस परिवार में जितने से ज़्यादा लोगों को जोड़ो, उसके बाद आपको सुचारू रूप से क्लासें ऑनलाइन की व्यवस्था जो IBPS AFO प्री और मेंस दोनों के लिए चलाया जाएगा। 5 दिन का आपका डेमो होगा, वो आप YouTube पर भी देख सकते हैं, आदर्श एग्रीकल्चर कोचिंग इंस्टीट्यूट, या एक हमारा AFO का टेलीग्राम ऐप बना है, उस टेलीग्राम ऐप को आप डाउनलोड कर लो। टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करो, टेलीग्राम ऐप आप जब डाउनलोड कर लोगे तो उसमें आदर्श एग्रीकल्चर AFO कानपुर के नाम से आएगा। बहुत सारे विद्यार्थी उसमें पहले से ही जुड़ चुके हैं। अब बात आती है कि आपके परिवार में जो आदर्श एग्रीकल्चर कोचिंग का ऐप भी आ गया है, उस ऐप को आप लोग डाउनलोड करना है। प्ले स्टोर में जाके आप वहां पर डालना आदर्श एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट, आपका ऐप खुल के आ जाएगा। उसमें आपका नाम मांगेगा, मोबाइल नंबर मांगेगा, ईमेल आईडी मांगेगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को ऐप डाउनलोड करा दो। कोई भी आपको समस्या हो तो फोन करके या कमेंट के माध्यम द्वारा 99 35 54 36 92 93 35 063 70 इन मोबाइल नंबर पर आप कभी भी किसी समय फोन के माध्यम द्वारा आप कॉल करके कोई भी समस्या है उसको आप पूछ सकते हो। ये प्रबंधक सर का नंबर है, SK कनौजिया, यदि हमसे स्वयं बात होगी तो ये नंबर है। उसके बाद प्रिय विद्यार्थियों, आपकी जो IBPS AFO की प्री और मेंस, जैसा कि आपको पहले से ही मालूम है कि इसमें पहले प्री होता है, उसमें मैथ रीजनिंग इंग्लिश पूछा जाता है। जब प्री आपका क्वालिफाई हो जाता है तो मेंस आता है।
उसमें एग्रीकल्चर पूछा जाता है, फिर उसके बाद इंटरव्यू होता है, उसके बाद आपका सिलेक्शन होता है। तो इसमें प्री और मेंस चार सब्जेक्ट की आपसे मात्र जो फीस रखा गया है 1000 रुपये रखा गया है प्री विद्यार्थियों। तो एडमिशन बहुत पहले से ही बहुत सारे बच्चे करा लिए हैं। अब 5-6 दिन में इस वीडियो को इस तरीके से वायरल कर दो उत्तर प्रदेश में जो भी आपके ग्रुप हों कि आपके आदर्श एग्रीकल्चर कोचिंग परिवार में ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था सुचारू रूप से चालू की गई है। कोई भी समस्या नहीं होगी, आप पहले से ही अवगत हैं आदर्श एग्रीकल्चर कोचिंग के बारे में। जैसा कि आपको मालूम है कि आदर्श एग्रीकल्चर कोचिंग जो पहले पायदान पर बनी है उत्तर प्रदेश जनपद में, आपका ही कोचिंग संस्थान है, उस पायदान को आप बनाए रखो। तो हम बहुत ही गौरवान्वित महसूस करते हैं कि YouTube पर आदर्श एग्रीकल्चर कोचिंग का जो चैनल बना है वहाँ पर इतने व्यू मिलते हैं, इतने लाइक मिलते हैं, इतने कमेंट मिलते हैं। उसके बाद इस समय यूपी कैटेट की काउंसलिंग चल रही है, लगभग 1000-2000 के करीब एक दिन में दोनों मोबाइल नंबर पर फोन आते रहते हैं। इससे हम लोगों को इतनी खुशी मिलती है कि आदर्श एग्रीकल्चर कोचिंग जो पहले पायदान पर बनी हुई है उसको हर समय आप पहले पायदान पर ही बनाए रखें। यही आपसे हमारा निवेदन है, विनती है कि आप इसको सुचारू रूप से पहले पायदान पर पहुंचना तो सरल होता है लेकिन उसको बनाए रखना बहुत कठिन होता है। उसके बाद बात आती है आपकी कि पहले जब आप लाइन की व्यवस्था थी आदर्श एग्रीकल्चर कोचिंग में तो बहुत सारे हमारे प्रिय विद्यार्थी चाहे टीए के हों, चाहे केंद्र सुपरवाइजर के विद्यार्थी हों, चाहे बैंक आईबीपीएस एफओ के हों, वो देखते थे कि प्रिय विद्यार्थी हमारे पास कितने बच्चे रहते हैं, मार्केट में वही चीज़ बिकती है जो अच्छी होती है। तो आपसे हमारा निवेदन है कि उत्तर प्रदेश जनपद में जिस तरीके से या कानपुर महानगर में आदर्श एग्रीकल्चर कोचिंग का नाम बिकता है उसको आप लोग उसी तरीके से बनाए रखें। उसके बाद सबसे पहले आपसे हमारा यही निवेदन है कि घर पर रहें, सुरक्षित रहें, कोरोना जैसी महामारी में और ऑनलाइन क्लास का फायदा उठाते रहें। और जो प्रिय विद्यार्थी ऑनलाइन फीस पेमेंट कर देंगे, यदि वो ऑफलाइन आना चाहते हैं, जैसे सरकार की गाइडलाइन आएगी आपकी ऑफलाइन भी क्लास की व्यवस्था सुचारू रूप से चालू हो जाएगी यहीं पे। तो वही फीस में आप यदि ऑनलाइन जमा कर देते हो, यदि गाइडलाइन सरकार की आ जाती है तो वही फीस में आपको ऑफलाइन में एडजस्ट करके पढ़ाया जाएगा। उसके बाद बहुत सारे विद्यार्थी हमसे जुड़ चुके हैं जिन्होंने फीस पेमेंट कर दिया है आदर्श एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के ऐप द्वारा। तो ऐप के माध्यम द्वारा आप पेमेंट कर सकते हो। उसके बाद फोन पे से या गूगल पे से या पेटीएम से आप पेमेंट करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। यदि आपको कोई भी ऐप डाउनलोड करने में तकनीकी समस्या आती है तो तुरंत फोन के माध्यम द्वारा आप पूछ सकते हो या WhatsApp पे आप कह सकते हो सर लिंक भेज दीजिए, ऐप की लिंक भेज देंगे, उसको आप लोग डाउनलोड कर लेना। IBPS एफओ आपको बताया है टेलीग्राम ऐप पर है, उस टेलीग्राम ऐप पर पहले ही हमने लिंक सेंड कर दिया है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने उस ऐप को डाउनलोड कर लिया है, उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंटों ने उसमें फीस भी पैड कर चुके हैं। इसलिए आज आपकी 17 तारीख है, उसके बाद आपका 5 दिन का लगभग डेमो रहेगा सुचारू रूप से। जो हमारी पुरानी फैकल्टी है जो कानपुर महानगर में छाई हुई है, उन्हीं गुरुजनों द्वारा, जो अनुभवी गुरुजन हैं उनके द्वारा सभी सब्जेक्टों का आपको पढ़ाया जाएगा, शिक्षण कार्य कराया जाएगा। उसके बाद ऐप के माध्यम द्वारा ही आपको PDF फाइल बना के नोट्स दिया जाएगा।
आपका हर सप्ताह में टेस्ट पेपर होगा, क्विज होगा, जिस तरीके से बैंक में आता है सारी चीज़ें ऐप के माध्यम द्वारा आप जब इस कोर्स को परचेज कर लोगे, पैड कर लोगे, तो ऐप के माध्यम द्वारा ही आपको सारी चीज़ें वहाँ पर मिलती रहेंगी। उसके बाद प्रिय विद्यार्थियों, आपसे हमारा निवेदन है कि यदि आपको कोई भी समस्या हो तुरंत पूछ लेना। सबसे पहले आप, बहुत सारे पुराने विद्यार्थी हम लोगों को पहले से ही जानते हैं, जो नहीं जानते हैं उनसे हमारा निवेदन है, पहले हम लोगों को इस्तेमाल करो, उसके बाद विश्वास करो। मार्केट में बार बार कहते हैं वही चीज़ बिकती है जो अच्छी होती है, इसलिए हमारा आपसे निवेदन है। अभी यूपी कैटेट का एग्जाम हुआ था, उत्तर प्रदेश जगत में चाहे बीएससी एजी हो चाहे एमएससी एजी हो, आदर्श एग्रीकल्चर कोचिंग ने उत्तर प्रदेश जनपद में पहला स्थान, जो फर्स्ट रैंक आती है कंबाइंड यूजी रैंक, वो प्राप्त की है। लगातार इतने ज़्यादा सिलेक्शन दिए हैं क्योंकि आप लोगों ने इतना प्यार मिला है, इतना स्नेह मिला है। इसी तरीके से प्यार और स्नेह बनाए रखो प्रिय विद्यार्थियों, आपसे हमारा यही निवेदन है। ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लासरूम में बच्चों को जोड़ो। उसके बाद जब ऑफलाइन की व्यवस्था थी, आप जानते थे हमारे पास 5-6 हाल हैं, एक हाल में आप जानते थे कि आदर्श एग्रीकल्चर कोचिंग में इतनी संख्या क्यों रहती है। बहुत सारे लोग पूछते थे कि बहुत सारी कोचिंगें सर चल रही हैं, आपके यहाँ खड़े होके स्टूडेंट पढ़ते हैं, तो इतनी हम लोगों को खुशी मिलती थी कि आदर्श एग्रीकल्चर कोचिंग ने इतना मेहनत किया है, इतना कुछ खोया है, इतने हमारे गुरुजन मेहनत करते हैं, उस मेहनत को आप लोग निरंतर लगाए रहो। उसके बाद 2018 है, 2019 है, 2017 है, आप जानते हो एक एक बैच से लगभग 100-100 सिलेक्शन IBPS बैंक FO में हम लोगों ने दिया है। इसलिए आपसे हमारा प्रिय विद्यार्थियों यही निवेदन है, आप कड़ी मेहनत करो, निश्चित तौर पर आप सफलता की तरफ जाओगे। मेहनत के बगैर कुछ भी नहीं होता है, इसलिए आपसे हमारा निवेदन है लगातार आप मेहनत करते रहें, निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी और हमारी जो टीम है, जो फैकल्टी है, वो आपको लगातार इसी तरीके से व्यवस्था करती रहेगी। वो दृढ़ निश्चय आप रहिए, पहले हमने कहा है आप हम लोगों पे विश्वास कीजिए, विश्वास पर ही दुनिया टिकी है। इसलिए आपसे हमारा यही निवेदन है कि आप लोग घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपनी देख रेख रखें, साफ सफाई करें और कोरोना जैसी महामारी में आप घर पर रह के आदर्श एग्रीकल्चर कोचिंग के चैनल का फायदा उठाएं। और यही आपसे हमारा निवेदन है कि आप अच्छी जगह पर पहुँचें। उसके बाद बात आती है कि जो यूजी वाले बच्चे हैं, बहुत परेशान हैं इस समय कि उनकी चॉइस फिलिंग का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो एक दो दिन में आपकी चॉइस फिलिंग आ जाएगी। चॉइस फिलिंग को आप लोग अच्छी तरीके से करें। चॉइस फिलिंग में होता क्या है, आप चॉइस फिलिंग में गए, वहाँ पर चार ही ऑप्शन आते हैं, CSA, फैजाबाद, मेरठ, बांदा। तो आप फिर वहाँ पे एक लिंक दी होती है, तो लिंक को आप क्लिक नहीं करते हो, चार ही ऑप्शन भर के क्या कर देते हो, आप चॉइस फिलिंग कर देते हो। उसके बाद आप जाते हो तो आपको कोई विश्वविद्यालय नहीं मिलता, इसलिए आप चार विश्वविद्यालय करने के बाद एक लिंक नीचे आती है, वह उसको लिंक को आप पर क्लिक करोगे, उसके बाद आपके 30-40 ऑप्शन आ जाएंगे, वो आप भर सकते हो, फ्री भर सकते हो। पहले चारों विश्वविद्यालय, लखीमपुर कैंपस, आजमगढ़ कैंपस, फॉरेस्टी हार्टिकल्चर, उसके बाद यदि आप पेमेंट शीट लेना चाहते हो तो पैड भर देना। इस तरीके से चॉइस फिलिंग आप प्रिय विद्यार्थियों अच्छी तरीके से करें। कोई भी समस्या हो, ये मोबाइल नंबर हमने दे रखे हैं, इन मोबाइल नंबर पर फ़ोन करके किसी भी समय आप पूछ सकते हो कि चॉइस फिलिंग कैसे करना है, सीट लॉक कैसे करना है। उसके बाद होता क्या है, बाई चांस आपने चॉइस फिलिंग गलत कर दिया, तो चॉइस फिलिंग में आपको मान लिया आपने डेयरी भर दिया या बीटेक भर दिया, आप लेना नहीं चाहते हो, तो प्रिय विद्यार्थी ये ध्यान में रखना कि 5000 सीट से उसको लॉक ना करें।
जब सीट लॉक कर दोगे तो वो सीट आपकी हो जाएगी, आप दूसरी तीसरी चौथी काउंसलिंग में नहीं बैठ पाओगे। इसलिए आपसे हमारा निवेदन है कि आप चॉइस फिलिंग अच्छी तरीके से करें। जिनकी रैंक दूर होती है वो अच्छा विश्वविद्यालय पा जाते हैं, और जिनकी रैंक अच्छी होती है वो दूर पहुंच जाते हैं। इसलिए प्रिय विद्यार्थियों, हमारा आपसे निवेदन यही है कि आपको कोई भी समस्या हो, हम लोग निरंतर आपके साथ बने हुए हैं। जैसा कि कोरोना महाकाल में आपके साथ थे, उस समय से आज तक आपके साथ हैं। इतना हम लोगों को आपसे सम्मान मिला है, इसलिए आप बेहिचक किसी भी नंबर पर कोई समस्या हो निश्चित तौर पर फ़ोन करें, कमेंट करें। और YouTube चैनल पर हमने आपको बताया है आदर्श एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट, आप सर्च करोगे या टेलीग्राम ऐप पर सर्च करोगे तो आपको वहां पर वीडियो मिल जाएंगे। इसलिए आपसे हमारा यही निवेदन है कि आदर्श एग्रीकल्चर कोचिंग ने जो कृषि के क्षेत्र में क्रांति लाई है, IBPSFO का ऑनलाइन बैच जो आपका स्टार्ट हो चुका है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उत्तर प्रदेश जनपद में इतना वायरल कर दें कि आदर्श एग्रीकल्चर कोचिंग, जैसा कि पहले से ही आप अवगत हैं कि उत्तर प्रदेश में पहले पायदान पर बना हुआ है, उसी तरीके से इस वीडियो को वायरल कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर दें। इसी लिए आपसे हमारा यही निवेदन है। आज यहीं पर विराम लेते हैं। यदि कोई भी समस्या हो कमेंट के माध्यम द्वारा, फोन के माध्यम द्वारा जरूर अवगत कराएं। धन्यवाद।